हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अनाथालय की लड़की से शादी कैसे करें, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या उनको कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर होगा तो उसके बारे में भी डिटेल से हम बात कर लेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस, अगर आप अनाथालय की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी जॉब से जुड़े हों, कोई रोज़गार आपके पास हो तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो भी आपके करीब का अनाथालय है आप वहाँ से संपर्क करें और उनको बताएं कि भाई हमारा ये काम है और ये हम काम करते हैं और इतना मंथली हम कमा लेते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, तो अनाथालय वाले आपसे पूरी डिटेल लेंगे, आपका एड्रेस, नाम, पिता का नाम और जहां आप रहते हैं वहां पर एक बार आदमी सर्वे करने के लिए जाएगा। आपके बारे में पूरी डिटेल दूसरों से भी ली जाएगी कि आपने जो चीज़ें बताई हैं, जो एड्रेस आपने बताया है वो जेन्युइन है या सिर्फ आपने ऐसे ही फर्जी चीज़ें बताई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जब वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको अनाथालय में बुलाया जाएगा और अगर पॉसिबल हो सका तो अनाथालय में ही आपकी शादी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी देखिए, जब आप ये सारी डिटेल देने के बाद भी उसमें कितने लोग अप्लाई करते हैं फिर उसमें आपको देखा जाएगा, फिर आपको देखा जाएगा कि आप उस लेवल के हैं कि आपकी शादी कराई जाए। फिर उसमें फिर एक प्रोसेस ये भी होता है कि जो लड़कियाँ हैं वो आपको पसंद करती हैं या नहीं, अगर वो आपको पसंद करती हैं तो फिर आपकी शादी इजली हो जाती है, यानी आप आसानी से अनाथालय की लड़की से शादी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो कोई भी करीब का अनाथालय है आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है यहाँ का, उसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे शादी होती है, अगर हम शादी करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ से पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज, इस तरह से आप अनाथालय की लड़की से शादी कर सकते हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि जैसा कि अभी आप लोग बहुत से लोगों को दिक्कत होती है या शादियां नहीं होती या लड़की पसंद नहीं आती है या फिर उनको किसी और रीज़न की वजह से शादी नहीं हो पाती, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आसानी से अपनी शादी कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, आपके आसपास में बहुत सारे अनाथालय होंगे, आप वहाँ से संपर्क कर लें और वहाँ पर अपनी बात रखें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि संपर्क वही करें जो जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहा हो, छोटा मोटा काम कर रहा हो तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप बेरोज़गार हैं तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी। और जो भी डिटेल आप दें वो जेन्युइन डिटेल्स हो ताकि आपका जब भी सर्वे हो उसके बारे में रिसर्च किया जाए या जानकारी ली जाए तो आपकी जो भी चीज़ें आपने बताई वो जेन्युइन निकले। अगर जेन्युइन नहीं निकलेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर वो आपका वहीं पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, जब अगर आप बिल्कुल इच्छुक हैं, शादी करना चाहते हैं तो ही आप अप्लाई करें। तो ये प्रोसीजर है, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में और भी जानकारी लेकर आपको बताई जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।